झारखंड की देवघर में राहुल गांधी के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे राहुल गांधी। माफिया अतीक की ग्रेटर नोएडा स्थित मन्नत पर पुलिस का शिकंजा। घर को शाहरुख खान के घर के तर्ज पर बनाना चाहता था अतीक, इसलिए घर का नाम रखा था मन्नत। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश, कोहरे और धुंध से मिली थोड़ी राहत। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में लगातार लगा श्रद्धालुओं का तांता, दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। उत्तरकाशी में बर्फबारी फिर से शुरू, बर्फ गिरने से गंगोत्री हाईवे सूखी के आगे बंद। मेरठ में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी विनय वर्मा ढेर, 25,000 इनाम घोषित था। कानपुर में मैरिज हॉल में लगी आग, मचा हड़कंप, शादी समारोह का था कार्यक्रम। सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी, राजनेताओं के फॉलोअर्स की श्रेणी में सीएम योगी का तीसरा स्थान। लखनऊ में एसपी विधायक के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 30 लाख की ठगी, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी कैंट पुलिस। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ज्ञानवापी पर आए फैसले का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा, कहा कोर्ट पर सवालिया निशान नहीं उठा सकते। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या शामिल होंगे अखिलेश, पत्रकारों के सवाल पर एसपी अध्यक्ष ने कहा कि कई बड़े आयोजन में निमंत्रण नहीं मिलता, हम क्या करें। पीएम मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ रुपए की सौगात, बोले यहाँ का प्यार मेरी अमानत है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, शुभमन गिल का ऐतिहासिक शतक, अपनी एक पारी से खत्म किया 6 साल से चला आ रहा इंतजार। जो काम नहीं कर सकी यूएस पुलिस, उसे एक महिला ने कर दिखाया। ट्रक चालक के साथ संबंध बनाकर खोली दोहरी हत्या का राज। इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहें यूट्यूब ऑनलाइन के साथ।